दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को महान कप्तान मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश श्रीलंका के मैच के दौरान एंजेलो मैथ्यूज को शाकिब अल हसन ने शांतु के कहने पर करवाया बेईमानी से आउट, पूरी दुनिया में मच गया हल्ला। तो आईसीसी प्रेसिडेंट ग्रेग वार्कले ने ठोक डाला इतने करोड़ का जुर्माना, लगा इतने साल का बैन लिया गया, ऐसा एक्शन सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। तो दोस्तों आखिर शाकिब अल हसन पर बड़ा फैसला सुनाते हुए क्या बोले आईसीसी प्रेसिडेंट, वो तो वीडियो में दिखाएंगे, बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, एंजेलो मैथ्यूज और शाकिब अल हसन में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों वर्ल्ड कप का 38वां मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला गया, जहां इस मुकाबले में बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और यह फैसला उनका बिल्कुल सही भी साबित हुआ, क्योंकि यहां पर बांग्लादेश की टीम ने 3 विकेट से यह मुकाबला अपने नाम किया। और इस दौरान श्रीलंका की जब बल्लेबाजी शुरू हुई थी तो उनकी तरफ से चरित असालंका के शतक की बदौलत श्रीलंका ने 279 रन बना दिए और 280 रन का लक्ष्य बांग्लादेश की टीम को मिला। हालांकि दोस्तों शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में बांग्लादेश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नजमुल हुसैन शांटू और शाकिब अल हसन ने मिलकर पूरी तरह से मैच में डोमिनेट किया और इस दौरान शांटू के बल्ले से 90 तो वहीं शाकिब अल हसन के बल्ले से 12 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 82 रन की पारी देखने के लिए मिली, जिसके चलते यह मुकाबला बांग्लादेश की टीम ने 3 विकेट से अपने नाम कर लिया। और दोस्तों इस मुकाबले में एक वाक्या तो आप सभी को याद ही होगा, जब सदीरा समर विक्रमा का विकेट 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर गिर चुका था तब मैदान पर आकर चरित असालंका का साथ निभाने के लिए एंजेलो मैथ्यूज उतरे, लेकिन यहाँ पर वो 2 मिनट से पहले अपने आप को रेडी नहीं कर पाए और उनका हेलमेट बेकार निकला और उन्होंने एम्पायर से पूछे बगैर ही 2 मिनट के भीतर हेलमेट को बदलने की मांग कर डाली। और दोस्तों एम्पायर ने नियम के तहत 2 मिनट तक खिलाड़ी को पहली गेंद खेलनी होती है उसको मद्देनजर रखते हुए उनको आउट करार दिया। और यहाँ पर शाकिब अल हसन पर सवाल उठने लगे कि आखिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शाकिब अल हसन की किधर गई, उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को 1 भी गेंद खेलने नहीं दी और टाइम आउट करवा दिया। आखिरकार भला ऐसा क्रिकेट में आज तक देखने के लिए नहीं मिला और विश्व में यह पहली बार खास तौर पर क्रिकेट में यह वाक्या हुआ। और दोस्तों ग्रेग वार्कले ने शाकिब अल हसन की इस घटिया हरकत पर उन पर करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोक डाला। जी हाँ दोस्तों इस दौरान ग्रेग वार्कले कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि आईसीसी ने तय नियम के अनुसार ये मान रखा है अगर किसी बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद खिलाड़ी 2 मिनट तक रेडी ना हो पाए तो उसको एम्पायर आउट करार दे सकता है, क्योंकि हमें तय समय अनुसार मैच को क्रिकेट को चलाना होता है। लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े मुकाबले में अगर कोई टीम आपस में अपना बदला पूरा करने के लिए यह करती है तब यह नियम लागू नहीं होता और शाकिब अल हसन ने ठीक वही किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने एंजेलो मैथ्यूज को भले आउट करवा दिया लेकिन आईसीसी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। हम जानते हैं कि अतीत में शाकिब अल हसन पर कई जुर्माने और बैन भी लग चुके हैं और वो काफी कुछ झेल कर यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन इस बार आईसीसी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेता है। शाकिब अल हसन को अब वर्ल्ड कप के 1 भी मुकाबले के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी, अब वो आगे के वर्ल्ड कप में 1 भी मैच में कप्तानी नहीं कर पाएंगे, उनकी यही सबसे बड़ी सजा है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सहमति से उन पर करोड़ों का जुर्माना भी लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर शाकिब अल हसन को तो बड़ा झटका लग चुका है, लेकिन अब आप सभी क्या मानते हैं, क्या आईसीसी ने यह कदम उठाकर बिल्कुल सही किया या फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।